हमारी सुनो न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को हमारी ओर से नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं हमारी सुनो न्यूज चैनल। देखिए ये आगे की खास खबर। बीजेपी गवर्नमेंट और खासकर मोदी जी ये संविधान के तहत सदन चलाना नहीं चाहते और जो रूल्स रेगुलेशन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के जितने भी रूल्स है उसको अलग रख के आज वो हर मेंबर को धमकी दे रहे हैं और हर मेंबर को सस्पेंड करके, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि सस्पेंड करके प्रिविलेज कमेटी को भेजा जा रहा है ताकि वो मेंबर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी ना आए। वो मेंबर हालांकि हमारे अधीर रंजन चौधरी जी ये चेयरमैन है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के, वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी ना आए और सीएजी की रिपोर्ट में भी वो हिस्सा ना ले, क्योंकि जो कमियां है सरकार की गलतियां हैं वो सीएजी में बताते हैं, तो उससे दूर करने के लिए उनको ऐसा सस्पेंड किया है कि एक दिन दो दिन कहीं टाइम नहीं बताया। प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट जब आएगी, जिस तरीके से उन्होंने अपने रजनी पाटिल जी को किया था उसी तरीके से इनको आज वो किए हैं, यानी डेमोक्रेसी को दबाना चाहते हैं और संविधान के तहत चलना नहीं चाहते, इसीलिए आज हम यहाँ सभी पार्टी के लोग मिलके प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ऐसे जो इल्लीगल उनके काम है, बेकानूनी काम जो है, इसके खिलाफ हम लड़ते रहेंगे और फिर सदन जब शुरू हो जाएगा उस वक्त भी हम ये बात रखेंगे और उनको कहेंगे। हम दरखास्त करने आए हैं संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब से कि आपने जो डॉक्यूमेंट हमें सौंपा ना, जिसे हम भारत का संविधान कहते हैं, उसको तहस नहस किया जा रहा, संसद को एक अंधे कुएं में तब्दील किया जा रहा, एक ऐसा कुआं जिसमें राजा के सिवा कोई नहीं बोलेगा, किसी के नहीं सुनी जाएगी, बस उसी के लिए दरखास्त करने आया है। देखिए कल प्रधानमंत्री साहब लोकसभा में मणिपुर पे जवाब दे रहे थे, ढाई घंटे में मुझे लगता है मणिपुर के बारे में सिर्फ 10 मिनट बोला होगा। बार बार विपक्ष आपसे मणिपुर के बारे में पूछ रहा था और अनफॉर्चुनेट हुआ, ये दुखद है, एक बार फिर लोकतंत्र में विपक्ष को बुरी तरह से बहुत गलत तरीके से डराया गया और पहली बार ऐसा हुआ है कि विपक्ष के कांग्रेस के एलओपी को सस्पेंड कर दिया गया नीरव शब्द बोलने से। नीरव शब्द का जो अर्थ है बंगाल में शांति का मतलब होता है कि हमें सदन में नीरव चाहिए, हमें मणिपुर पे नीरव चाहिए। ये इतने ज्यादा नीरव वर्ड से ग्रसित है कि उन्होंने एलओपी को सस्पेंड कर दिया। आज उसी के लिए हम लोग प्रोटेस्ट अपना जाहिर कर रहे हैं।